फ्रांस अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है अब फ्रांस यूथेनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु को भी लीगल करने जा रहा है इसके अकॉर्डिंग इनक्यूरेबल एंड लाइफ थ्रेटिंग डिजीज से जूझ रहे लोग यूथेनेशिया का ऑप्शन चुन सकेंगे यूथेनेशिया को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है एक्टिव यूथेनेशिया एंड यूथेनेशिया एक्टिव यूथेनेशिया में डॉक्टर बीमार पर्सन को पॉइजनस मेडिसिन या इंजेक्शंस देते हैं जबकि पैसिव यूथेनेशिया में पेशेंट की लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी वेंटिलेटर को हटा दिया जाता है और उनका ट्रीटमेंट बंद कर दिया जाता है यूथिनेशिया केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो या उस डिजीज का कोई भी इलाज ना हो साथ ही पेशेंट जिंदा रहने के लिए बहुत पेन सफर कर रहा हो भारत में 2011 में फेमस अरुणा शॉनबॉक केस में और 2018 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कुछ कंडीशंस के साथ पैसेनेशिया की परमिशन दी थी आपका क्या मानना है एक्टिव युथनेशिया अलाउ करना सही है या गलत